मैं डॉक्टर श्वेता यहाँ पे आज आदर्श हॉस्पिटल में थर्ड एनिवर्सरी का आयोजन किया था और उसके साथ ही यहाँ पे न्यूरोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हो चुका है आज। मैं डॉक्टर श्वेता, मैं न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपना न्यूरोलॉजी का पढ़ाई पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में किया। यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ के जो लोग हैं आजू बाजू के, गुलबर्गा के आजू बाजू के विलेज से हैं, गुलबर्गा के लोकल जो लोग हैं जो आज तक गुलबर्गा छोड़ के सोलापुर हैदराबाद ये शहर में जाते थे क्योंकि उनको हायर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था यहाँ पे, तो यहाँ पे आने का मकसद, यहाँ इतना सुपर स्पेशलिटी करके पढ़ के आने का मकसद यही है कि मेन गुलबर्गा के लोगों को ये हायर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जैसे कि मेंदू विकार है उसमें पैरालिसिस यानी कि लकवा, मिर्गी, माइग्रेन, अर्धशिशी इसको हम बोलते हैं, या फिर जो नसें कमज़ोर होती है डायबिटीज़ के कारण, कोई और बीमारी के कारण, फिर अल्जाइमर्स जिसको हम मेमोरी लॉस करते कहते हैं, ये सब बीमारी ज़्यादातर आती है। लकवा के दौरान जब भी पेशेंट को लकवा आता है तभी उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती करा के अगर उसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो वो रिवर्स भी हो सकता है। ये अवेयरनेस ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है, तो
हमारा मकसद यही रहेगा कि लोगों को सेवाएं देना और ज़्यादातर लोगों के बीच में उनके डिसीजेस के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, ये है। तो यहाँ पे आदर्श हॉस्पिटल 3 साल से डॉक्टर आलोक पाटिल चला रहे, ही इज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो लोगों बहुत सारे लोगों को उन्होंने नी रिप्लेसमेंट, फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करके बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, एंड ही इज़ द लीडिंग ऑर्थोस्कोपी सर्जन इन गुलबर्गा। तो आगे भी यहाँ पे न्यूरोलॉजी सेंटर खोल के हम ये जो सुविधा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध करना चाहते हैं, और वो भी उनके अफोर्डेबल प्राइस में। तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि आपके आसपास के लोगों को, आपके विलेज, जो भी विलेज से आसपास के लोगों को अगर कुछ ऐसा होता है, लकवा या फिर मिर्गी होती है या फिर मेमोरी लॉस, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए या फिर कोई आदमी इन बीमारियों से सफ़र कर रहा हो, तो उनको आप आदर्श हॉस्पिटल को तुरंत भेज सकते हैं। यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सुविधाएं भी चालू कर दिया गया है। तो यही कहना कह के मैं आपको अभिवादन करती हूँ। थैंक यू। ಇಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಮಾ ಜನತೆಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಬು ಕೀಲು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮೊಳಕಾಲು ಜೋಡಣೆ ಆಗಲಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ದುರ್ಬೀನ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಇಂಥವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆದಂಥ ಸರ್ಜರೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇಂಜಸ್ ತರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.